अज़ीज़ तुलबा व तालिबात, अस्सलामु अलैकुम। ज़मीन की अंदरूनी हलचल की वजह से ज़मीन पर जलजला और आतिशफिशा जैसे हादसात रूनुमा होते हैं। ज़मीन के नीचे होने वाली हरकत की वजह से ज़बरदस्त तनाव पड़ता है। तनाव हद से ज़्यादा होने की वजह से तापकारी अशिया से तवानाई पैदा होती है। तवानाई की लहरें एक जगह से दूसरी जगह हरकत करती हैं, जिसकी वजह से ज़मीन के अंदरूनी हिस्से में तजलजल पैदा होकर हलचल शुरू होती है। ज़मीन के अंदरूनी हलचल की तकसीम की बुनियाद तीन हिस्सों पर मुश्तमिल है, जैसे रफ्तार, सिमत, ज़मीनी शक्ल। रफ्तार, इसकी हलचल अलिफ, ज़मीन की सुस्त हरकत यानी मुसलसल होने वाली, मसलन पहाड़, चट्टानों का बनना वगैरह। उसमें बे है ज़मीन की तेज़ हरकत। हादसाती शक्ल में होने वाली, मसलन जलजला, आतिशफिशा। दूसरा है सिमत। सिमत में उफकी ज़मीनी हलचल है और बुलंदी से पस्ती की तरफ ज़मीनी हलचल। तीसरा है ज़मीनी शक्लें। बर्रे आज़म, सतह मुर्तफा और ऊंची ज़मीन बनाने वाले, बे कोई साज, लहर साजी, दराड़ वगैरह। ज़मीन की सुस्त हलचल यानी हरकत। ज़मीन की सुस्त हरकत की वजह से पहाड़ और बर्रे आज़म वजूद में आते हैं, जिसे हम ज़ेल के तरीके से देखेंगे। ज़मीन की सुस्त हलचल को भी दो हिस्सों में बांटा गया है, जैसे दबाव और तनाव। जब लहरों पर दबाव ज़्यादा पड़ता है तो वो एक दूसरे के करीब आ जाती है, यानी नज़दीक आ जाती है, और अगर तनाव पड़ता है तो वो एक दूसरे के मुखालिफ सिमत में चली जाती है, जिसकी वजह से सख्त चट्टानों पर भी बहुत सारे असरात होते हैं। जैसे दबाव पड़ने की वजह से सख्त चट्टानें एक के ऊपर एक आ जाती है, और तनाव पड़ने की वजह से उनमें दरारें पड़ जाती है, दूरी आ जाती है। उसी तरीके से नर्म चट्टानों पर दबाव की वजह से लहरें पड़ जाती है और तनाव की वजह से दरारें पड़ जाती है, यानी वो दूर दूर हो जाती है। पहाड़ वजूद में लाने वाली हरकत, कोहसास हरकत। ऐसी हरकत जिसकी वजह से पहाड़ वजूद में आते हैं, इसे कोहसास हरकत कहते हैं। इस हरकत की वजह से लहरेदार पहाड़ और तोदानुमा पहाड़ वजूद में आते हैं। देखिए, लहरेदार पहाड़ ज़मीन के अंदरूनी हिस्से में तवानाई की लहरों में उफकी सिमत पर दबाव पड़ता है, जिसकी वजह से लहरें पैदा होती हैं। ज़्यादा दबाव की वजह से ज़्यादा लहरें पैदा होती हैं और वो एक दूसरे में उलझ जाती है, जिसकी वजह से लहरेदार पहाड़ वजूद में आते हैं। मसलन कोए हिमालय, अरावली, राकी, इंडेस, अल्पस वगैरह। तोदानुमा पहाड़ ज़मीन के अंदरूनी हिस्से में तवानाई की लहरें उफकी सिमत में एक दूसरे के मुखालिफ जाती है, तो इनमें तनाव बढ़ता है और चट्टानों में शगाफ पैदा होती है। इन शगाफों को दराड़ कहते हैं। जब दो मुतवाजी दराड़ों के दरमियान ज़मीन का हिस्सा ऊपर उठता है तो वो तोदे की तरह दिखाई देता है। इस ज़मीनी हिस्से को तोदानुमा पहाड़ कहते हैं। इसका ऊपरी हिस्सा हमवार होने की वजह से इस पर चोटी नहीं होती और इसका नशेब तेज़ होता है। मसलन यूरोप का ब्लैक फॉरेस्ट पहाड़ और भारत में मेघालय की सतह मुर्तफा वगैरह। शगाफ वादी, कभी कभी ज़मीन में तनाव पड़ने की वजह से दो मुतवाजी दराड़ें बनती है और इन दराड़ों के दरमियान का हिस्सा धस जाता है। इस धसे हुए हिस्से को शगाफ वादी कहते हैं। शगाफ वादी के दोनों किनारों पर ढलान तेज़ होती है। मसलन भारत में नर्मदा नदी की शगाफ वादी, बर्रे आज़म अफ्रीका में ग्रेट रिफ्ट वैली, यूरोप में राइन नदी की शगाफ वादी वगैरह।